खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भीकनगांव चारुकेश्वर आश्रम बड़वाह से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर अनेक ग्राम नगर से होती हुई भीकनगांव नगर पहुंची। सर्वप्रथम अमनखेड़ी गांव हनुमान मंदिर पर बंजारा समाज द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पानी एवं फलों का वितरण भी किया गया। साथ ही नारायण मशीनरी के इंदल गुर्जर ने सभी यात्रियों का पुष्प वर्षा एवं गुड़पट्टी खिलाकर स्वागत किया। यात्रा का नगर में अन्य जगह भी स्वागत किया गया। यात्रा मंगलवार गुरु पूर्णिमा को परम पूज्य संत लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के आश्रम पाल पहुंचेगी। वहां पर परम पूज्य संत लक्ष्मण चैतन्य बापूजी के शिष्यों द्वारा प्रवचन का कार्यक्रम भी रखा गया है। यह पैदल यात्रा लगभग 10 वर्षों से निरंतर निकाली जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष पैदल यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। भीकनगांव के अतिरिक्त आसपास गांव एवं खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर आदि शहरों से भी भक्तगण इस यात्रा में शामिल होने आते हैं। यात्रा लगभग 150 किलोमीटर की है, जो 5 दिवस में भक्तगण राधे कृष्ण का भजन व ढोल ताशों के साथ झूमते हुए पाल आश्रम पहुँचते हैं। खबर समय जगत के लिए भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।